नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें, पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें, लेकिन अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर करने का प्रयास भी जरूर करें। और दोस्तों, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे तो जैसा मैंने बताया कि बेल आइकॉन पर प्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरक्षण व्यवस्था पर। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कोई भी प्रदेश देख लें, वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था को धीरे धीरे शने शने कम करने का प्रयास किया जा रहा है, समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, मैं केवल OBC समुदाय की ही बात नहीं कर रहा हूँ, OBC वर्ग की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि SC ST सभी का प्रतिनिधित्व कम करने की सरकार की योजना है। यदि हम बड़ी बड़ी सर्विसों की बात करें, IAS लेवल की और भी हायर एजुकेशन से संबंधित, विश्वविद्यालयों से संबंधित, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी कम परसेंटेज है आरक्षित वर्ग का। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कुठाराघात करता है संविधान के दिए गए नियमों का, संविधान में किए गए विभिन्न प्रकार के संशोधनों का, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा निर्देशों का। और दोस्तों, इसी आरक्षण व्यवस्था पर उंगली उठाता हुआ एक लेख है प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से, और इसमें क्या क्या डिटेल दी गई है और किस प्रकार से जो जातिगत आरक्षण है उनको लागू करने की बात इसमें कही गई है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कही गई है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी जानकारी एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर है तो वाराणसी का यानी कि उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसमें पूरे देश भर की जो आरक्षण से संबंधित वस्तु स्थिति है और गवर्नमेंट की जो नेग्लिजेंसी है उसको ये भली भांति प्रकट करता है और मांग करता है कि इन आरक्षणों की व्यवस्था को जो कि संविधान दी है, संविधान के हिसाब से उनको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनको उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। तो विश्वविद्यालयों में SC ST और OBC आरक्षण समाप्त, लेकिन 10% सवर्ण आरक्षण तत्काल लागू, और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं पिछड़े और दलित समुदाय के नेता। इसमें है कि केंद्र सरकार और न्यायपालिका ने मिलकर देश भर के यूनिवर्सिटीज़ में SC ST OBC का आरक्षण समाप्त कर दिया। पिछले 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विभागवार आरक्षण को ही सही ठहराया है। बताते चलें कि कुछ सालों से विश्वविद्यालयों में संपूर्ण वैकेंसी पर OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण लागू होता था, लेकिन कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा इसे हटाकर विभागवार आरक्षण लागू कर दिया गया। और दोस्तों, इससे मतलब साफ निकलता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में संपूर्ण पिछड़े समाज का आरक्षण शून्य जैसा कर दिया गया, जबकि वहीं दूसरी तरफ 20 जनवरी को UGC ने सवर्ण आरक्षण को सभी विश्वविद्यालयों में तत्काल प्रभाव से लागू किया। हैरानी की बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी पिछड़े और जो दलित समुदाय के वर्ग है, नेता हैं, आर्थिक आधार पर सवर्ण आरक्षण का समर्थन करते हैं और हमारे आरक्षण समाप्त करने पर उनके जवान को लकवा मार जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को किसी भी प्रकार से अन्यथा ना लें, ये कल एक जानकारी के लिए है, आपका नॉलेज इंक्रीज हो इसके लिए है कि क्या हो रहा है समाज में। इसलिए संपूर्ण पिछड़े समाज को वह कसम खाना चाहिए कि गुलाम सांसदों और विधायकों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। उन्हें तमाम मुद्दों को लेकर सरदार सेना, सामाजिक संगठन लगातार आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलित है। सरदार सेना द्वारा न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता सहित देश भर के सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी अथवा संविदा के संस्थानों में नीचे से लेकर उच्च स्तर के सभी पदों पर पिछड़े और दलित की आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग को लेकर आगे के दिनों में आंदोलन किया जाएगा और इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। और लेकिन कामोवेश यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी लें तो यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति हो रही है। जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो इसको बिल्कुल पूर्ण रूप में 100% प्रदर्शित करता है, इंगित करता है। और अब एक बड़ा आंदोलन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर भी OBC महासभा 28 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री आवास को घेरने के संबंध में और उनको ज्ञापन देने की बात उन्होंने कही है और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और दोस्तों, संविधान के प्रतिकूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जो SC ST और OBC के आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया की तरफ ये बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सभी वर्गों के हितों के प्रति कुठाराघात साबित होगा और मानसिक घेरना वाला होगा। जानकारी